सो गाइस, प्रीव्यू आपने देख लिया, अब एडिटिंग की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करके 9:16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे मीडिया पे जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर जाके एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है आपको। और इसको स्क्रॉल करते हुए आपको 15 सेकेंड तक कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे फिर से एक क्लियर वाला ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। और यहाँ से आपको अपनी मॉडल्स की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई की फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ इस टाइप से। एंड देन इसको आपको पूरी स्क्रीन पे कर लेना है इस टाइप से, एंड ड्रैग करते हुए आपको इसको पूरा एंड तक ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो फ़ोटो आपने लिया है ऊपर से वाइट हो या मोस्टली इस टाइप से छूटा हुआ हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको ड्रैग करते पूरा एंड तक कर लेना है आपको पूरा कम्प्लीटली। सो इसको डन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक कर देना है आपको। लेयर पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक गेट मोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाओगे तो, ठीक है। यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो लेंस और नॉइज़ है उसके बीच में एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो वो आपको घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक काइन मास्टर के लेटेस्ट वर्जन में मिल जाएगा आपको। तो नहीं है तो इसके लिए आपको मेरे पास एक जुगाड़ है, तो इसको आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आ जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखता है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे जाना है और एक वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से आपको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद में इस टाइप से आपको जूम कर लेना, मतलब कि बड़ा कर लेना है आपको। बड़ा करने के बाद इसको आपको ऊपर इस टाइप से सेट करने के बाद में आपको साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखता है, उसको अनेबल करके फेदर जो है उसको पूरा आपको 100 कर देना है यहाँ पे, जिससे कि आपका यहाँ पे मास्क वाला ऑप्शन जो है वो एक मास्क वाला इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डन कर देना है। तो इसको ड्रैग करते हुए पूरे एंड तक ले लेना है। एंड तक ले जाने के बाद में इसको डन कर देना है। डन करने के बाद में आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक वापस लेयर पे क्लिक करना है आपको। देखिए यहाँ पे डन कर देते हैं इसको, लेयर पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। और लेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ओवरले का ऑप्शन दिखता है, उस पर चले जाना है आपको। और स्क्रॉल करते हुए जाना है आपको नीचे गेट मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड है बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करना है और सिंपल सा स्क्रॉल करना है इस साइड से, और नीचे स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक फोग वाला ऑप्शन दिखता है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड है ऑलरेडी, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और बैक आ जाना है, ठीक है। तो आपको फोग वाला सेलेक्ट कर लेना है, उसके अंदर 4 वाला जो नंबर का है वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। छोटे साइज़ पे ही इसको रोटेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे जूम करके फिर रोटेट किया तो इसमें काफ़ी टाइम चला गया। तो आप एक ना एक्चुअल में छोटा हो तभी आपको इसको पूरा रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इन्जॉय करिए रोटेशन वाला। मैंने यहाँ पर जूम करके करा था इसलिए, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तब आपको छोटे पे ही कर लेना है बल्कि ये प्रोसेस, ठीक है। तो फाइनली इतने टाइम के बाद में अपना रोटेट हो गया। रोटेट होने के बाद में आपको ऊपर इस टाइप से इसको एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हो जैसा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है ऊपर। और इसको भी ड्रैग करते हुए पूरा एंड तक कर लेना है आपको, जहाँ तक आपकी वीडियो है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इसको आपको डन कर देना है। सो ये हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कई सारे मटेरियल मिलेंगे, तो सबका मटेरियल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर एक गूगल की इमेज मिलेगी आपको। मतलब यहाँ पे जितने भी मैं वीडियोस और मटेरियल यूज़ करूँगा सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये वाली गूगल की इमेज का लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड का, तो वहाँ से डाउनलोड करके इसको इस जगह सेट आउट कर लेना, ठीक है। आपको सेट आउट करने के बाद में आपको ब्लेंडिंग पे जाना और इसको मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको पूरा एंड तक कर लेना है आपको, जहाँ तक आपकी वीडियो है। और उसके बाद इसको डन कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सबको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जो कि वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से ये वाला। इसके लिए आपको आपको इस वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे ये ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, गूगल के नीचे। देन स्क्रॉल करना है एंड ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर जाना है, उसको भी मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। देन आपकी वीडियो इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर, और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे यहाँ पर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट हो जाने के बाद में आपको सिंपल सा वापस से डन कर देना है इस चीज़ को। तो डन हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ इस टाइप से चला के, देखिए इस टाइप से आपका इफेक्ट कुछ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसके बाद में, ये देख लीजिए इस टाइप से होगा पूरा। मैं अब आपको यहाँ पे जो टाइमिंग देखिए मैं बताता हूँ, उस टाइमिंग पे आपको आना है। यहाँ पे आपको अपनी वीडियो को स्क्रॉल करना है थोड़ा इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको 5:30 के समथिंग आना है, या 6:30 5:30 के बीच में कहीं पर भी आ जाना है आपको। और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है कि लेयर वाला ऑप्शन दिखता है आपको, देखिए यहाँ पे 6:05
629 में मैं गया हूँ। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, लेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपको सिंपल सा, और उसके बाद मीडिया पे जाना है और यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन की वीडियो आपको मिलेगी, वो आपको ले लेनी है इस टाइप से। उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और यहाँ पे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखता है तो उस पर चले जाना और यहाँ पे इस बार आपको स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद में इसको डन कर देना और उसको उसके बाद इसको थोड़ा सा इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यहाँ पे रख के एडजस्ट कर लेना और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद में इसको आप डन कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपकी कुछ इस टाइप से लोडिंग वाली स्क्रीन भी आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, 9:30 से 10 के बीच में आपको इसको जो पीछे वाला पार्ट से वो कट कर देना। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है ब्लैक वाली स्क्रीन वाली वीडियो को, 9 से 10:30 के बीच में आपको ले लेना और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम कर लेना है पीछे वाले को, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है और यहाँ पे एक इमेज मिलेगी जो कि है रिजल्ट नॉट फाउंड वाली, वो वाली आपको ले लेनी है इस टाइप से। एंड स्क्रॉल करते ब्लेंडिंग पे आना है एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको भी पूरा यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर लेना एंड देन ड्रैग करते हुए पूरा एंड तक कर लेना, ठीक है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद में फिर इसको डन कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपकी वीडियोज़ में किसी भी पार्ट्स में अगर रहेगी एक्स्ट्रा पार्ट तो उसको ट्रिम कर लेना एक बार, ठीक है, और उसके बाद डन कर देना। तो ये सब हो जाने के बाद में अब यहाँ पे आपको इफेक्ट देना, तो यहाँ पे जो इमेज दी है उसको सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है, ठीक है। लेयर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद में आपको एक गेट मोर का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे चले जाना है गेट मोर पे और यहाँ पे आपको जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ग्लिचेस का, ग्लिच वाला दिख रहा है उस पर चले जाना है। ग्लिच पे यहाँ पे आपको एक क्रोमेटिक ग्लिच दिख रहा होगा, उसको जाना है और इसको इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि डाउनलोड कर लेना। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं यहाँ पे इफेक्ट पे चले जाता हूँ उस वाले पे, क्रोमेटिक वाले पे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है वो इफेक्ट कहाँ पे है आपका, ठीक है। फिर उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको, येरा क्रोमेटिक, इस पर जाके सेलेक्ट कर लेना है, इसको डन कर देना है और पूरा एंड तक कर लेना है इसको भी आपके इफेक्ट को, ठीक है, ट्रैक करते हुए। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग पे चले जाना है आपको। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है जो 5 हो रखी है स्ट्रेंथ, उसको आपको 1 कर देना है और उसके बाद इसको डन कर देना है। एंड बैकग्राउंड में इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा गाइस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ, हालांकि मैं आपको फुल स्क्रीन प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे लगेगा आपका स्टेटस। सो ये हो जाने के बाद में अब आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए आपको पता ही है कि सिंपल सा शेयर वाले बटन पे क्लिक करके देन आपको जो भी क्वालिटी चाहिए उसमें आपको एक्सपोर्ट कर लेना। तो मैं 720p एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।